हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अभी हो रहा है रात का टाइम और हम लोग अभी ना घर पहुंच गए थे। और वहां से आने के बाद फिर मैं नहाई, क्योंकि वाटर पार्क में ना जब वहां से निकली तो मैं नहाई नहीं थी, तो बस शैम्पू वगैरह सब मुझे अभी करना पड़ा था क्योंकि अजीब सा बॉडी हो गया था। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरी ननद ने दिया था। तो ये क्या था ना, ये मीनाक्षी और स्पर्श दोनों लोग मिल के और इसको पूरा मतलब इसकी चटनी बना दिए थे निकाल निकाल के। तो ये बोल रहे थे ना एक बार चेक कर ले, सेट कर दे, जिसके साथ का जो दुपट्टा है उसको रख दो क्योंकि पॉलीथीन वगैरह सब कुछ फट गया है। तो वही मैं ऐसे निकाल के और देख रही थी कि मैचिंग मतलब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही ठीक किया था और इनको मतलब जैसे हुआ था वैसे ही इन्होंने किया था, उसके बाद रख दिए थे ये। तो वही मैं ठीक करके और फिर मैं इसी पॉलीथीन में अभी डाल दे रही हूँ। उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फीवर आ चुका था मुझे और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। उसके बाद बिल्कुल भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ पे ये लोग रेस्ट कर रहे थे और मेरी तो ऐसी हालत ख़राब थी ना कि पूछो नहीं। तो मैंने कुछ भी, मेरा कहीं भी नहीं आया है और मैं कोई ब्लॉग यहाँ का बना भी नहीं पाई। यहाँ पे मेरे देवर बना रहे हैं खाना, सब्ज़ी बना रहे हैं और पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और कुछ बना रहे थे, क्योंकि हम सब की तो हालत एकदम ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वही आज किचन में है, मम्मी भी रेस्ट कर रही थी और मेरी तो ऐसी हालत थी कि बस ये। और ये जो ब्लॉग शूट हुआ है ये इन्होंने शूट किया है, क्योंकि मैंने बोला कि चलो आप थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का कम से कम रिकॉर्ड कर लो यहाँ जब आए हैं। तो क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ अगर हम ब्लॉग बनाते हैं तो थोड़ी सी हमारी भी मेमोरी कलेक्ट हो जाती है और बाद में देखने में भी हमें भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी खाना बन रहा था और ये जहाँ तहाँ का रिकॉर्ड किया, ये हो गया मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में उठी मैं, नहाई नहीं, डायरेक्ट मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि आप मेरे फेस पे भी ना आँखों में स्वेलिंग देख रहे होंगे, पूरा मेरा जो फेस था ना वो सूज चुका था। रात में तो आराम से सोई थी बट हाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस मैंने बस फेस वॉश किया है और मैं तैयार हो गई हूँ और हम लोग को अभी फिर से वापस जाना है घर। तो अभी निकलने वाले हम थोड़ी देर में और ना इधर से हम लोग ना ट्रेन से जाएंगे। तो बस यहाँ पे मम्मी जी भी रेडी हो चुकी हैं, मीना भी रेडी हो चुकी है और मैं भी बस अभी भी मुझे ना फीवर था तो दवाई वगैरह खाई हूँ अभी। और सबका ब्रेकफास्ट इस टाइम पे हो चुका है और मम्मी अपने दवाई की जो डब्बे थे ना उसको अभी लेके और अभी आ रही थी, क्योंकि मम्मी का भी यही हाल है और मेरा भी, जहाँ हम जाते हैं भाई अपनी दवाइयाँ लेके हम लोग जाते हैं क्योंकि तबीयत कब ख़राब हो जाए कुछ भी मालूम नहीं चलता है। तो 11, 16, 44 पहले उस वो वाला था आरएसी, हम कह के आरएसी साइड साइड में रहेगा, टिकट पे दो दो हो। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठी हुई थी, रिकॉर्डिंग इन्होंने ही किया है, ये दूसरे वाले रूम का थोड़ा सा इन्होंने रिकॉर्ड किया था। और हमारी जो ट्रेन की टिकट थी ना, हमारी सबकी अलग अलग थी, तो बस यही बोल रहे थे। वैसे हमारा था कि हम गाड़ी से ही चले जाएंगे, लेकिन फिर हमें ना ये बोले कि चलो ट्रेन से चलते हैं। तो बस यहाँ सबका बैग अभी निकल रहा है और हम लोग भी अभी निकलने वाले हैं। स्पर्श भी रेडी हो चुका था और अभी मीनाक्षी भी रेडी हो चुकी है, सब लोग रेडी हो गए और मैं तो बस तैयार हो गई और चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी मेरी। तो स्पॉश एकदम हैप्पी हैप्पी हो गया था क्योंकि फिर से उसको टाइम आ गया है दादाजी के पास जाने के लिए, तो एकदम खुश था। और ट्रेन से जाना है तो स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा खुश था क्योंकि ट्रेन में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे यहाँ से स्टेशन, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस हमें ना 5 मिनट लगेंगे जाने में। Thank you.
फेस पे ना बहुत ज़्यादा अभी स्वेलिंग आ चुकी है, और खास करके मेरे फेस पे ना अभी आईब्रो बहुत ज़्यादा मेरी बड़ी हुई है, आईब्रो अपर लिप्स। मैं मम्मी जी से बोली थी कि जाने से पहले ना मैं बनवा लेती हूँ, बट फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो इतना ज़्यादा मैं इनसे भी बोली कि चलिए बनवा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हुआ नहीं, टाइम ही नहीं मिला। और मऊ जंक्शन हम यहाँ पे आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। हमारा दो बैग था, एक तो हमारा बैग था और एक था मम्मी जी का बैग था, और उसमें ही मीना का भी था। तो बस मम्मी यहाँ से अभी आ रही हैं, स्पर्श आके एकदम खुश हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे वो आता है ना, तो आधा से ज़्यादा उसको बस उसके फेस पे ना स्माइल रहती है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और अंदर को हम लोग जा रहे हैं, और बस हमारी ना ऐसा लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगा, जो टाइम था एकदम टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहुँचे थे, और ट्रेन जो थी वो भी टाइमली थी। बट वही था ना, भगवान का शुक्र कि हमें यहाँ पे दस मिनट हमें यहाँ पे ना वेट करना पड़ा था कि उसके बाद ट्रेन आई, लेकिन ऐसा था कि अगर ट्रेन छूट जाएगा तो फिर हम गाड़ी से जाएंगे घर। तो चलो मिल गई ट्रेन, और अभी हम लोग अंदर यहाँ पे अंदर को जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन मिल चुकी थी, और अभी हम लोग ना उतरने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मीना मम्मी ये लोग एक साइड में बैठे हुए थे और मैच पर्स एक जगह बैठे हुए थे और ये अलग बैठे हुए थे। तो अभी लास्ट हमें उतरने का टाइम आ गया ना, तो हम लोग सब लोग एक साथ आ गए हैं, अपने सीट पे नहीं है अभी। तो बस अभी हम थोड़ी देर में देवरिया स्टेशन पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे एकदम स्पर्श खुश था ट्रेन में बैठ के, और अभी भी जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ फिर ये एकदम ही ज़्यादा खुश है ना। स्पर्श बोलो, खुश हो? खुश हो। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं देवरिया स्टेशन, और फिर उसके बाद हम यहाँ से ई रिक्शा या फिर ऑटो कुछ लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे लोग। तो यहाँ थोड़ा मैंने उतरने के बाद रिकॉर्ड किया, और मैं मॉर्निंग टाइम में मेडिसिन खा के चली थी ना, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत अभी ना ठीक होने लगी है, मतलब फीवर वगैरह अभी नहीं था, लेकिन हाँ शरीर मेरा भारी भारी सा एकदम लग रहा था। और अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, हम 10:30 में घर पहुँच आए थे, बट ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक हो गई थी। अभी मीना किचन में है और वो बर्तन अभी धो रही थी, और मैं आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की थी, उसके बाद नहाई थी, और उसके बाद फिर से रेस्ट की थी, फिर मैं दवाई वगैरह भी खाई हूँ। और यहाँ पे बस मीना और मैं दोनों लोग बातें कर रहे थे, मैं अभी आंगन में बैठी थी और कपड़े डालने थे, तो वो कपड़े मैं अभी जा रही हूँ बाहर डालने के लिए। यहाँ पे अभी बाहर खेल रही थी वर्तिका, और ये आराम से यहाँ बैठे हुए थे, थोड़ी सी टेंशन थी इनको, और स्पर्श यहाँ बैठा हुआ है, तो घर की जो हमारी टेंशन चल रही है वही है। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।